सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल में। दोस्तों, हमने मैथ विषय पढ़ लिया है और उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीटीसी 2015 का जो आपका गणित शिक्षण विषय का पेपर हुआ था उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों हम 2016, 17, 18 और 19 के भी पेपर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग दोस्तों मेरे साथ पेपर सॉल्व करते चलिए और अपने डर को खत्म करते चलिए और प्रैक्टिस बनाते चलिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप एग्जाम में 25 में 25 नंबर करके आए। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आसान पेपर होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम पेपर सॉल्व करते हैं। देखिए, 25 नंबर का पेपर होता है आपका गणित शिक्षण विषय का और इसमें देखिए 5 बहुविकल्पी प्रश्न, उसके बाद 6 अतिलघुत्तरीय प्रश्न, फिर 7 लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। इस तरीके से टोटल 18 प्रश्न आते हैं दोस्तों। अब चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शंस में संख्याएं दी हुई है हमें और पूछ रहा है कि स्थानीय मान किसमें सबसे अधिक है 6 का। तो देखिए 6 कहाँ कहाँ पे है। देखिए 6 यहाँ पर है आ ऑप्शन में, फिर बा में यहाँ पर है, सा में यहाँ पर है और दा में यहाँ पर है। अब देखिए आ में दशमलव से 1 अंक बाद है, मतलब 100वें भाग पे। दोस्तों दशमलव से इधर हम लोग देखते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा देखते हैं और दशमलव से इधर दसवां भाग होता है, फिर 100वां भाग होता है। तो यहाँ पे 6 100वें भाग पे है तो 6 के नीचे 100 आ जाएगा दोस्तों। और इसी तरीके से अगर सा ऑप्शन में देखेंगे तो 6 10वें स्थान पे, तो 6 के नीचे 10 आ जाएगा। और इसी तरीके से 6 यहाँ पर बा ऑप्शन में 1000वें स्थान पे है तो 6 के नीचे 1000 आ जाएगा। और इसी तरीके से दा ऑप्शन में 6 के नीचे 600वें स्थान पे तो 6 के नीचे 100 आ जाएगा। दशमलव के बाद दोस्तों ये दसवां, फिर ये 100वां, फिर ये 1000वां। तो अब 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो देखिए आ में अगर हम 6 का मान देखेंगे दोस्तों तो आ में 6 का स्थानीय मान आएगा 100 से भाग देने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वही स्थानीय मान होगी 6 की। और फिर अब इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी। सबसे बड़ा जो मान आएगा दोस्तों वह आएगा सा ऑप्शन का, क्योंकि यहाँ पे 6 में केवल 10 से भाग जा रहा है, बाकी में 100 और 1000 से भाग जा रहा है। तो यहाँ पे जो 6 का सबसे अधिक स्थानीय मान होगा वह सा ऑप्शन में होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, 3/5 धन दूसरे ब्रैकेट में ऋण 2/5 का मान होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये जो धन का चिन्ह है इसका गुणा इस ऋण में होगा तो यहाँ पे बीच में ऋण आ जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3/5 ऋण 2/5। देखिए हर बराबर है यहाँ पे तो सबके 5/5 हो जाएगा और 3 - 2 तो ये आ जाएगा 1/5। यहाँ पे ऑप्शन आ सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 है, 2 संख्याओं का मासापा 45 और लासापा 500 है तो उसमें से एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या होगी। तो यहाँ पे जो सूत्र लगता है दोस्तों वह लगता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर जो होता है वह होता है मासा गुणे लासा के, यह सूत्र होता है दोस्तों। अब इसी सूत्र में हमें ये जो हमें मान दिए हुए हैं, वैल्यूज दी हुई है, इसे रख लेना है। तो देखिए पहली संख्या में दी हुई है 125, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या लिख लेते हैं और मासा 45 है और लासा 500 है। तो अब जब दूसरी संख्या हम ज्ञात करेंगे दोस्तों यहाँ पे तो ये हो जाएगा 45 × 500 और ये जो 125 है वह बट्टे में आ जाएगा। 125 से 4 बार में 500 कट जाएगा और 45 का गुणा दोस्तों 4 में होगा तो ये हो जाएगा 180।
तो दूसरी संख्या जो हो जाएगी दोस्तों वह हो जाएगी 180। तो यहाँ पे ऑप्शन डा जो दिया है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या चार है, 2480 का कितना प्रतिशत होगा? तो देख लेते हैं दोस्तों, 2480 का कितना प्रतिशत होगा। 24/80 लिख लेंगे हम दोस्तों, और प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुणा हो जाएगा कि 0 से 0 कट जाएगा, और फिर 8 त्रिक 24 होता है तो ये आ जाएगा 30%। तो 24 जो होता है 80 का 30% होता है, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पांचवे में पूछ रहा है, 8a ऋण 3b धन, दूसरे ब्रैकेट में 3a धन 3b, तो ब्रैकेट दोस्तों खुलेगा तो धन है तो धन का गुणा होगा, कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे सीधे देखिए, यहाँ पे -3b है और यहाँ पे +3b है, तो ये सीधे सीधे कट जाएगा। यहाँ पे धन का चिन्ह है दोस्तों तब ऐसा हो रहा है, और कोई चिन्ह होता तो ऐसा नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे 8a और +3a बच जाएगा, तो दोनों जुड़ेंगे तो 11a मिल जाएगा हमको, और 11a देखिए सा ऑप्शन में दिया है तो सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूरे होते हैं दोस्तों। अब देखते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? कोई वृत्त आपको दिया है और उस पे कोई भी दो बिंदु अगर दिए हुए हैं और इन दो बिंदुओं को कोई रेखाखंड मिला रहा है, तो इस रेखाखंड को दोस्तों हम क्या कहते हैं? इसे हम जीवा कहते हैं। तो ए बी जो यहाँ पे दोस्तों, इसे हम जीवा कहते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा जीवा। अब प्रश्न संख्या सात है दोस्तों, 48 धन 8 गुणे 0.75 ऋण 5 का मान लिखिए। यहां पर सबसे पहले दोस्तों गुणा होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 48 धन 8 का गुणा 0.75 में होगा तो ये आ जाएगा 6, और ऋण 5 तो ये हो जाएगा 48 धन 1 तो ये आ जाएगा 49। इसको सरल करेंगे तो हमें 49 मिल जाएगा दोस्तों। अब प्रश्न संख्या आठ है, 12 के अपवर्तक लिखिए। अपवर्तक मतलब होता है दोस्तों विभाजक, कि मतलब 12 किन किन संख्याओं से पूरी तरह कट जाता है। तो 12 किन किन संख्याओं से पूरी तरह कट जाता है, वो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए 12 एक से पूरी तरह कट जाएगा तो एक लिख लेते हैं, 2 से कट जाएगा तो 2 लिख लेते हैं, 3 से कट जाएगा 3 लिख लेते हैं, 4 से कट जाएगा 4 लिख लेते हैं, 5 से नहीं कटेगा 6 से कट जाएगा, 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से नहीं कटेगा, फिर 12 से कटेगा। तो ये जो संख्याएं हैं दोस्तों, यह 12 की अपवर्तक संख्याएं हैं, मतलब यह 12 के विभाजक हैं। और यहाँ पे अगर अपवर्त लिखा होता है दोस्तों, तो 12 के अपवर्त अगर हमसे पूछता तो 12 को हम प्राकृतिक संख्याओं से गुणा कर देते, यानी कि 12 में 1 का गुणा होता, फिर 2 का गुणा होता, यानी कि 12 24 36 48, ये सब 12 के अपवर्त्य हैं। अपवर्त्य और अपवर्तक में बहुत अंतर है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब प्रश्न संख्या 9 है, -2x³ - (-x²+4x) का मान होगा, तो इसे हम लोग सरल कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले जब हम लोग इसको सरल करेंगे तो देखिए ब्रैकेट खुलेगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं -2x³ दिया है, फिर माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +x² और फिर इस माइनस का गुणा इसमें होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4x। और अब देखिए तो इसे हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं -2x³ + (x²-4x), यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 है, 150 का 12% कितना होगा? तो देख लेते हैं दोस्तों, 150 का 12% इसे लिख लेंगे 150 × 12/100, तो 0 से 0 कटेगा और 5 से अगर हम काटते हैं तो ये 3 बार में और ये 2 बार में, और फिर 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 6 त्रिक 18।
यानी कि 150 का 12% अगर हम निकालते हैं तो 18 मिलेगा, 18 हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब प्रश्न संख्या 11 है, एक खेल का मैदान 110 मीटर लंबा तथा 40 मीटर चौड़ा है, मैदान के चारों ओर कितना लंबा तार लगेगा। मैदान के चारों ओर तार लगाना है हमें, मतलब अगर हम तार एक कोने से खींचना स्टार्ट करेंगे तो फिर उसी कोने तक हमें लेके आना है। तो दोस्तों ये अगर आप परिभाषा याद करेंगे तो यही परिमाप की परिभाषा होती है, तो हमें सीधे निकाल लेना है आयत का परिमाप जो होता है। आयत के परिमाप का यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 into a + b, a और b जो है लंबाई और चौड़ाई है, तो ये जो परिमाप निकल के आता है हमारा आयत का, देखिए इतना तार लगेगा, ये यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो a यहां से इतनी लंबाई, फिर b, फिर a, फिर a। अब इसी में हम वैल्यू रख लेते हैं, 110 + 40, तो 2 गुणे 150, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 300 दोस्तों, 300 हमारा उत्तर हो जाएगा, हमें 300 मीटर लंबा तार लगेगा मैदान के चारों तरफ। यहाँ पर हमारे दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न खत्म होते हैं, अब हम लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है लघुत्तरीय में 12 नंबर, पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। देखिए दोस्तों 120 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं दोस्तों ए बी। अब इसमें दोस्तों प्रकार में हम कोई भी दूरी लेके एक चाप लगा देते हैं दोस्तों, ये चाप जहां ए बी लाइन को कट कर रहा है उसे सी पॉइंट नाम दे देते हैं, और सी पॉइंट को फिर से केंद्र मान करके प्रकार में उतनी ही दूरी लेके, जितनी पहली दूरी हमने ली थी उतनी ही दूरी लेकर के एक चाप और लगाएंगे दोस्तों। इसके बाद इसको हम डी पॉइंट नाम दे देंगे, और डी पॉइंट को फिर से हम केंद्र मान करके एक चाप लगाएंगे दोस्तों उतनी ही दूरी लेकर के, और इसे ई पॉइंट नाम दे देंगे। अब हम ए और ई को मिला देंगे दोस्तों, और ए ई को एफ तक बढ़ा देंगे, एफ पॉइंट तक, तो ये जो हमारा कोण बन जाएगा एफ ए और बी, ये जो कोण बनेगा इसका जो मान होगा दोस्तों वह 120 डिग्री होगा। तो एंगल एफ ए बी जो होगा हमारा वह होगा 120 अंश। अब इसी को आपको भाषा में लिख लेना है दोस्तों, सबसे पहले आप एक लाइन खींचते हैं ए बी, फिर प्रकार में कोई भी दूरी लेके एक चाप लगाते हैं, वह चाप ए बी रेखा को जहां पे काटता है उसे सी पॉइंट नाम देते हैं, फिर सी पॉइंट को केंद्र मान करके वही दूरी प्रकार में लेके एक चाप लगाते हैं, और इस वह चाप पहले चाप को जहां काटता है उस बिंदु को हम डी नाम दे देते हैं, फिर डी को केंद्र मान करके फिर एक चाप लगाते हैं, दोनों चाप जहां एक दूसरे को काटते हैं उसे ई पॉइंट नाम दे देते हैं, और ई और ए को मिलाते हुए रेखा खींचते हैं और उसे एफ तक बढ़ा देते हैं, तो जो हमें कोण एफ ए बी प्राप्त होता है उसका मान 120 अंश होता है। इसी तरीके से आपको लिख लेना है, यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर, एक गांव में महिलाओं की संख्या इतनी है तथा पुरुषों की संख्या इतनी है, तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है यह पूछ रहा है। तो अगर पुरुषों की संख्या हमें निकालना है कितनी अधिक है महिलाओं की संख्या से, तो हमें पुरुषों की संख्या में से महिलाओं की संख्या घटाना होगा दोस्तों, तो अब हम यही कर लेते हैं, पुरुषों की संख्या जो हमें दी हुई है यहाँ पे उसमें से हम महिलाओं की संख्या को घटा लेते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले पुरुषों की संख्या लिखेंगे हम 5ab + 2b² - 6c, और फिर माइनस महिलाओं की संख्या 4a + 3b + 2b². अब देखिए जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इसका माइनस का गुणा सभी में होगा, तब देखिए इसे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 5ab + 2b² - 6c - माइनस का मल्टीप्लाई इधर होगा अंदर, तो ये हो जाएगा -4a, फिर माइनस का प्लस में होगा मल्टीप्लाई, तो -3b, फिर -2b², तो
अब यहाँ पे आप प्लस टू बी स्क्वायर देख पा रहे हैं और यहाँ पे माइनस टू बी स्क्वायर, यह दोनों आपस में जीरो हो जाएंगे या तो कहिए कट जाएंगे। तो प्लस टू बी स्क्वायर और माइनस टू बी स्क्वायर को आप काट दीजिए और ये हो जाएगा फाइव ए बी माइनस। अब देखिए यहाँ पे सभी माइनस दिख रहे हैं तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा, इसे हम लोग लिख लेते हैं सिक्स सी प्लस फोर ए प्लस थ्री बी, यह हमें उत्तर मिल जाएगा दोस्तों। इतने पुरुष अधिक हैं महिलाओं से। अब प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, यह हमें दिया हुआ है, इसे हल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं, ब्रैकेट आपको पता होने चाहिए। देखिए सबसे छोटा ब्रैकेट है ये, फिर मझला ब्रैकेट है, फिर बड़ा ब्रैकेट है। तो जब भी हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले हम सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसे हम लिख लेंगे दोस्तों फोर ब्रैकेट सेवनटीन प्लस मझला ब्रैकेट टू प्लस फाइव, और देखिए छोटे ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा फोर प्लस टू सिक्स, और फाइव का मल्टीप्लाई जब सिक्स में होगा तो ये हो जाएगा थर्टी। तो यहाँ पे हम सीधे लिख लेते हैं थर्टी दोस्तों, और मझला ब्रैकेट लगा देते हैं फिर बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए मझला ब्रैकेट सॉल्व होगा, तीस दो में जोड़ेगा तो 32 हो जाएगा, और उसके बाद मझला ब्रैकेट जब खुलेगा तो 32 जोड़ेगा 17 में, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 और 4 49। अब 49 का गुणा 4 में होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 196। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें मिल जाता है 196 आंसर। अब प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, यहाँ पे किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 60 बच्चे के परिणाम पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। प्रश्न संख्या 15 जो है यहाँ पे दोस्तों, इसे मैंने जो आपके लघुत्तरी प्रश्न सॉल्व कराए हैं मैंने राजन सीरीज से, उसके दूसरे पार्ट में मैंने इस प्रश्न को सॉल्व कराया है। तो आप सभी जाके लघुत्तरी प्रश्न जरूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसी में आपको यह प्रश्न भी मिल जाएगा दोस्तों देखने को। आपको ऐसे भी मैं मुझवानी बता दे रहा हूं। देखिए पहला जो है सबसे सबसे अच्छे बच्चे दोस्तों यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक अंश किसका है, 180 सबसे बड़ा है, तो 180 द्वितीय श्रेणी की है। तो द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, और प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात। तो पहले आपको द्वितीय श्रेणी में कितने बच्चे पास हुए हैं यह निकाल लेना है, फिर आपको प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे पास हुए हैं यह निकाल लेना है, और दोनों का अनुपात ले लेना है। यह मैंने करके दिखाया है दोस्तों, आप वह वीडियो जाके जरूर देखिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 16 है, यहाँ पे दो संख्याओं का मासा 15 है और उनका गुणनफल 9 है, तो उसका लासा पा ज्ञात कीजिए। अभी दोस्तों हमने देखा था एक सूत्र कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 900, और मासा दिया हुआ है, लासा पूछ रहा है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 900 हम लिख लेते हैं, और मासा 15 दिया हुआ है और गुणे लासा। तो लासा जब हम निकालेंगे दोस्तों तो लासा हमें मिल जाएगा 900 बटे, ये 15 इधर बटे में आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 90, 6 बार में कट जाएगा दोस्तों और शून्य, तो ये हो जाएगा 60। लासा जो हमें मिल जाएगा दोस्तों वह मिल जाएगा 60। अब प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों, यहाँ पे दो हमें दिए हुए हैं, इन्हें इन दोनों को हमें सरल करना है। तो देखिए पहला है माइनस 1/8 धन 3/4, ब्रैकेट खोल के इसे हम माइनस 1/8 लिख सकते हैं, और जब हर बराबर करेंगे हम तो इसमें 3 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 धन 6, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 5/8 दोस्तों। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं, देखिए सीधे गुणा है और दोनों जगह माइनस का चिन्ह है, सबसे पहले ये प्लस हो जाएगा और अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो ये हो जाएगा 7 * 3 = 21 अंश में और हर में 12 * 2 = 24, और इसको हम सरल करके लिख सकते हैं, 3 से कट जाएंगे दोनों, ये कटेगा 8 बार में और ये कटेगा 7 बार में, तो 7/8
ये उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 18 दोस्तों, प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए तथा व्यास भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह भी प्रश्न मैंने राजन सीरीज के लघुत्तरी प्रश्न में कराया हुआ है, तो आप वीडियो जाके जरूर देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैथ का जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके आप देख सकते हैं सभी वीडियोस मैथ की, और बाकी सब्जेक्ट के भी देख सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के भी लिंक मैंने नीचे दे दिए हैं। तो ये था आपका बीटीसी 2015 का मैथ का पेपर, और बाकी इसी तरह भी दोस्तों हम बाकी पेपर भी सॉल्व करेंगे, 16, 17, 18 और 19 के भी। और अगर आप कहेंगे अलग प्लेलिस्ट बनाने को तो मैं अलग बना दूंगा, और अगर आप बोलेंगे मैथ वाली प्लेलिस्ट में ही इसे ऐड करने को तो उसी में मैं इस वीडियो को ऐड कर दूंगा, ताकि आपको सभी पेपर के जो सोल्यूशन है वह आसानी से मिल जाए, नहीं तो आपको खोजने में दिक्कत होती है दोस्तों। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, बाकी आपको पेपर का सोल्यूशन कैसा लगा या कमेंट करके बताइए, आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और सभी ग्रुपों में शेयर करिए, ताकि जो मैथ का डर है वह सभी के अंदर से निकल पाए और सबकी तैयारी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए दोस्तों। बाकी दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको ऑल पे कर लीजिए, ताकि सभी अपडेट्स आपको टाइम पे ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलती रहें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।